नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी मेहमान है बेहद खास, बेहद प्रतिभाशाली पखावज वादक महिमा उपाध्याय जी। इनका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले जब आप इनकी तस्वीर आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं, और जब मैं बताऊंगा कि ये अपने घराने की 15वीं पीढ़ी की कलाकार हैं, या जब मैं बताऊंगा कि इनका घराना जो है वो पखावज में 400 बरस से भी ज्यादा पुराना घराना है, तब आपको समझ में आएगा कि इस युवा से दिखने वाले कलाकार के पीछे दरअसल कितनी मजबूत परंपरा है, कितनी सशक्त परंपरा है। महिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, और आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड वेरी वेरी हम्बल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैट शो। थैंक यू सो मच। महिमा, पहला सवाल तो बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन है इंटरेस्टिंग कि जब कोई आपका परिचय कराता है और कहता है कि ये 15वीं पीढ़ी की कलाकार हैं, या जब वो कहता है कि 400 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है इनकी, ये सब कुछ इतनी इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां जो हैं, मतलब इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी खासियतें अगर आपके इंट्रोडक्शन में जुड़ी हुई हो, तो क्या लगता है ये कोई एडिशनल जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या लगता है कि यार ये बहुत भारी भारी है, बाप रे बाप, कैसे इसका कैसे इसको आप अपने अपने अंदर आत्मसात कैसे करती हैं इस परिचय को? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, और मैं एक म्यूजिक की डिवोटी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा से रहूंगी, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक संगीतकार परिवार में मेरा जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माता और मेरे पिताजी मेरे पखावज गुरु पंडित रविशंकर उपाध्याय जी, और मेरी वोकल गुरु मेरी माता विदुषी मालती उपाध्याय जी, ये दोनों मेरे गुरु भी हैं और मेरे माता पिता भी हैं। बहुत बहुत भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ रोज कि मुझे इतने सपोर्टिव मदर फादर और गुरु मिले, और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि म्यूजिक से मैं जुड़ी हुई हूँ। और हमेशा से ये अपने आप को मैं बहुत छोटा मानती हूँ, और हमेशा से ये म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप जितना जस्ट लाइक एन ओशन, द मोर यू गो डीपर द मोर यू गेट टू लव, इसकी कोई सीमित जगह नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट जर्नी, अनएंडिंग जर्नी। तो मेरे लिए आई थिंक मैं हमेशा से एक लर्नर रहना चाहती हूँ, और मैं बहुत छोटी हूँ और सीख रही हूँ और हमेशा सीखना चाहूँ। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि हाँ, 15वीं पीढ़ी मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इतने बड़ी परंपरा से मैं बिलोंग करती हूँ, तो सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि मैं इंजॉय बहुत करती हूँ। एक पैशन, पैशन के साथ साथ वो लव, वो डेडिकेशन अपने क्राफ्ट, अपने आर्ट के टुवर्ड्स होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको मैं खुशी खुशी निभाना चाहूंगी, हमेशा गलती कर करके सीख सीख के मैं निभाना चाहूंगी। महिमा, वैसे तो मतलब इस सवाल को मुझे रीफ्रेस करना चाहिए। जनरली मैं अपने मेहमान से पूछता हूँ कि बचपन में शरारत करने का मौका मिला या नहीं मिला, और शरारतें की तो कौन सी की। आपकी तो उम्र अभी भी शरारत करने की है, तो अभी अभी कुछ शरारत वरारत होती है, या बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चों की तरह बचपन से उठे और रियाज किया और स्कूल गए, और मतलब वो जो बचपन की शैतानियां होती हैं उसके लिए कुछ मौका मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला बचपन में बहुत। हाँ, मतलब मैं इतनी शरारती नहीं, मतलब हाँ, आई एम पैम्पर्ड चाइल्ड इन माई होम बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से मेरे भैया बड़े हैं, ऋषि भैया, फिर मेरी दीदी है वो ध्रुपद गाती है, मिलन दीदी, फिर मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन हाँ, एज फार एज जैसे मेरी ट्रेनिंग आती है, मेरी म्यूजिक की विधि आती है, तो एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कैसे रहना है, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी विधा में हो संगीत के, तो अब डिसिप्लिन और ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी। पिताजी का सबसे पहला लेसन मेरे मेरे लाइफ में यही रहा है, मेरे मदर एंड फादर का, कि संगीत सीखने से पहले
उसकी डिसिप्लिन सीखनी बहुत जरूरी है, और हमेशा एक अपना जो एक संस्कार, अपना जो एक नेचर है, हमेशा एकदम बहुत नर्म रखना है, बहुत ग्राउंडेड रखना है। और ये दोनों चीज तो सबसे पहले मेरी विद्या में हमेशा के लिए अटैच रही है और हमेशा रही है। और उसके बाद हाँ, कभी कभी शरारत चलती है, लेकिन पापा के सामने थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ माई ट्रेनिंग, माई मदर इज ऑल्सो, बट जब ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर जब फादर एंड डॉटर एंड मदर एंड डॉटर का रिलेशन आता है, अगर उसके बाद हम थोड़ा बहुत चल जाता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हाँ जब संगीत की बारी आती है तो वहां पर बहुत ही शांत रहती हूँ, वहां पर कोई शरारत मैं नहीं कर पाती, हो ही नहीं पाता मुझसे। अच्छा महिमा, पखावज क्यों? मतलब पखावज सिर्फ इसलिए कि आप परिवार में इतनी पुरानी परंपरा थी इसलिए, या खुद आप बचपन में आकर्षित हुई पखावज की तरफ, और क्या कभी ये प्रश्न आपके जहन में या आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों के जहन में नहीं आया कि लड़की और पखावज मतलब रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो पखावज बजाते हैं, तबला बजा सकते थे, हालांकि तबला में भी बहुत कम फीमेल प्लेयर्स हैं, लेकिन कभी इंस्ट्रूमेंट के आड़े, इंस्ट्रूमेंट सीखने के आड़े ये बात आई क्या कि लड़की को ये सिखाना चाहिए या नहीं? एक्चुअली मैं बहुत ही लाइक बचपन में जब पापा को रियाज करते देखती थी तो शिशु के ही अवस्था में मेरे कानों में पखावज का साउंड आया, तो जब उनको मैं देखती रहती थी रियाज करते हुए तो पखावज का साउंड मुझे बहुत, उसका जो निकास है, उसका जो साउंड है, गूंज है, मतलब पखावज का साउंड इज व्हाट वी कैन कॉल अ मैजेस्टिक साउंड, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और पापा का जो बजाने का स्टाइल है मेरे पिताजी का, वो देखते हुए मुझे बहुत, मतलब बहुत, मैं एकदम आई गॉट फैसिनेटेड बाय सीइंग एवरीथिंग। सो तो एक दिन क्या, हाँ कोइंसिडेंटली क्या था कि मेरे फादर के मन में एक ड्रीम था कि मेरी दोनों बेटी में से कोई एक बेटी पखावज बजाए, बट उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, बचपन की बात बता जी। तो जब मैं उनके पास गई, और हमेशा कुछ भी मेरे पास टेबल रहता था, कुछ भी एनीथिंग, आई जस्ट मतलब मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दैट, मैं हमेशा ऐसे ऐसे बजाती, एक दिन मैं पखावज लिख के ऐसे ऐसे ता दिन ऐसे करके बज, तो माई फादर गॉट सरप्राइज, तो फिर मैं उनको जाके बोली कि मुझे भी सीखना, तो वही सीखना जब आ जाता है वर्ड, तब पापा ने बोला कि आई हैव टू ऑब्जर्व यू। ऑब्जर्वेशन मेरा ऑलमोस्ट मेरा 2 साल चला, फिर 8 साल की उम्र में मैंने गंडाबद शागिर्द जिसको बोलते हैं, वो मैं पिताजी से अब जब तब से लेकर अभी तक मेरा जर्नी जब सीख रही हूँ, और हमेशा चाहूंगी कि मैं अच्छा कर पाऊँ। एक सवाल और बताइए महिमा, जब 8 साल की उम्र में विधिवत तरीके से आपने सीखना शुरू किया, तो ये उम्र होती है जब आप स्कूल भी जाती होंगी, स्कूल में भी म्यूजिक के टीचर होंगे और उनको भी पता चला होगा कि ये बच्ची पखावज सीखती है, तो एक एक चौंकने वाला एक जो एलिमेंट होता है वो जरूर आया होगा। दूसरा, जो आपके फ्रेंड्स थे वो कभी नहीं कहते थे कि यार महिमा गिटार सीख लो बहुत फैंसी होता है, थोड़ा वायलिन सीख लो बहुत फैंसी होता है, पखावज तो बहुत ही एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, कभी किसी फ्रेंड ने आकर ऐसा कहा या सबने अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं अच्छा कर रही हो, जो सीख रही हो वही सीखो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मोस्टली मतलब क्या था, जब मेरा फर्स्ट टीवी परफॉर्मेंस जब मेरा था तो डीडी भारती चैनल पे, तो मेरा पखावज सोलो था, 2012 की बात है ये, उससे पहले मेरा डेब्यू मेरे गुरु के साथ हुआ, अहमदाबाद सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल मेरा फर्स्ट डेब्यू था, तो उसका किस्सा अभी आपको मैं बताऊंगी नटशेल में। हाँ फ्रेंड्स की बात आई तो हाँ 2012 में मैंने सबको इनविटेशन दिया कि मैं इस चैनल पे इतने इस तारीख को इतने बजे आएगा, तो एवरीवन यू लाइक यूज्ड टू सिट एंड वॉच एवरीथिंग। हाँ दे आर नॉन म्यूजिकल, सम ऑफ देम आर म्यूजिकल माइंडेड, बट हाँ उनको रिदम अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ जो भी बजाया, जो भी लिटरेचर था,
तो उनको उतना समझ नहीं आया, बट दे इंजॉय वॉचिंग दैट. तो वो ऐसे मतलब करिए, जो ऐसे बजाया ना वो बहुत अच्छा लगा, वो जो एक उसमें जो एक्सप्रेशन था. सो दे मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा कि दे इंजॉयड इट. एंड हाँ, तो मोस्टली सबको अच्छा लगा, और अभी भी सब मिलते हैं तो अभी भी जुड़े हैं हम सोशल मीडिया पे. और अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स मिलते हैं और बोलते हैं तो एक बहुत अच्छा फील होता है कि वो उनको अच्छा लग रहा है और अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है. एटलीस्ट दे आर नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, बट दे आर इंजॉइंग वॉचिंग दैट, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक उनको भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद. तो मैं इस बात में भी लकी हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उनको भी अच्छा लगता है ये चीज देखने में. सप्तक फेस्टिवल में जिस आप अपने पहले कार्यक्रम की बात कर रही हैं उस पर बातचीत करेंगे, और सप्तक जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर्स, वो उनको बताना चाहूंगा कि देश के बहुत प्रतिष्ठित संगीत जो बहुत समारोह होते हैं उनमें से एक है, वहां से अपने संगीत सफर की शुरुआत करना कई कलाकारों के लिए, लगभग हर कलाकार के लिए कहना चाहिए कि सपने की तरह होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन महिमा एक सवाल और बताइए, कभी किसी ने ऐसे परिचय कराया कि यार देखो वो लड़की जो जा रही है ना वो पखावज बजाती है, नाम भले ना उसको याद हो, लेकिन कभी इस तरह से परिचय हुआ क्या? हाँ, बहुत बार हुआ. तो अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि ठीक है, आई फील मैं मतलब ज्यादा सोचती नहीं उसको, क्योंकि मतलब ज्यादा सोचना भी उतना ठीक नहीं है. मतलब अपने आप को बिल्कुल अपनी चीजों में फोकस रहना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमेशा मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को ज्यादा सोच लेते हैं तो वो ज्यादा ठीक नहीं है. तो अपने अपने काम पे ज्यादा फोकस करना, उसको और भी बेटर करना, और भी उसमें इम्प्रोवाइजेशन देना, और कितना अच्छा हो सकता है, कहाँ गड़बड़ है उसको और ठीक करना, उस चीज पे उस पैरामीटर्स पे ही ज्यादा मैं फोकस करती हूँ. और कभी कभी इंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल से नहीं. हाँ, इंजॉय बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं तो मतलब सबसे बड़ी चीज की आशीर्वाद है, और सब गुरुओं की आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है. बाकी अच्छा करने की कोशिश हमेशा रहेगी लाइफ में. अब आप उस अपने डेब्यू के बारे में बताइए जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, सप्तक फेस्टिवल में वो कैसे आपके पास प्रस्ताव आया, कैसे आपने बजाया, क्या बजाया, और कौन से लोग थे सुनने वालों में, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल होता है वो, बहुत बड़ा बताइए उस फेस्टिवल पर। में जी. सबसे पहले जब मेरी तालीम शुरू हुई 8 साल की उम्र में, फिर होते होते 2009 में मेरी फर्स्ट डेब्यू थी, और पिताजी ने मुझे बुलाया, कहा कि अच्छे से रियाज करो, अहमदाबाद चलना है. मैंने कहा अच्छा. तो बोला कि सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल, मतलब मैं तो बहुत उस टाइम छोटी थी, मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे आप बजाना है. तो चाइल्डिश माइंड था. फिर मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा. फिर पापा ने कहा कि बेटा आपको मेहनत बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट डेब्यू है और आपको कितना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देना है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है. तो मैंने मेहनत की, और जब पिताजी के साथ बैठना बहुत बड़ी बात है, स्टेज पे उनके साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात है. नर्वस तो थी, लेकिन साथ साथ में एंजॉय भी बहुत कर रही थी कि बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट थे वहां पर. तो उनके सामने फिर जब मैंने माइक्रोफोन्स देखा, स्टेज देखा, ऑडियंस देखी, तो आई वाज एंजॉयिंग दैट टाइम. एट द सेम टाइम आई वाज वेरी नर्वस. फिर गुरु की कृपा से मैंने जैसा भी दिया होगा वो गुरु बताएंगे, क्योंकि कभी तारीफ तो कभी नहीं मिली गुरुओं के थ्रू, तो कभी नहीं मिली, और अच्छी बात है कि कभी तारीफ मिलनी भी नहीं चाहिए. तो हाँ ठीक है, मतलब मेरे लिए तो बहुत एक गोल्डन मोमेंट था, वहां पर मुझे डेब्यू मिला और आशीर्वाद भी बहुत सबका मिला, और गुरु के साथ बजाना वो बहुत बड़ी आशीर्वाद, बहुत बड़ी आशीर्वाद है. और सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल में पहला डेब्यू मिलना वो एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट होता है. तो यही है, बहुत अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशील हूं मैं कि ना अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. और लाइफ महिमा हमें क्या सुनाने जा रही हैं आप? आपको मैं एक
तीष्ट जाति का मैं आपको सुनाऊंगी। तीष्ट जाति हम वी कैन कंसीडर दिस जाति रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। सो इसमें नटखट्टा कैसे होती है श्री कृष्णा की, उसको इमेजिनेशन करते हुए, फिर फिर उसमें जो मेरे पिताजी का एडिशन है, बाएं का जो बैलेंसिंग है, उसको कैसे हम एक रॉ के साथ हम उसको कैसे बांधते हैं, फिर उसको हम चलन में कैसे तिहाई के साथ उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगी आपको सुनाने, आप सब सुनाने का। पेश है तीष्ट जाति जो लॉर्ड श्री कृष्णा से रिलेटेड है और उनकी नटखटता के को इमेजिनेशन करते हुए मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी ने ये कॉम्पोजिशन बनाई है। मैं कोशिश करती हूँ बजाने की। इस खूबसूरत प्रस्तुति को सुनने के बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आप एक चीज और मुझे बताइए महिमा, जैसे आजकल परकशन शब्द जो है वो इतना विस्तार है उसका, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत सारे परकशन बजाते हैं और बहुत उनकी बहुत मतलब उनके कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में आपने इस तरह कुछ प्लान किया है कि पखावज ही बजाना है, या फिर पखावज के साथ भी और कई सारे परकशन, उसको भी सीख के उसको भी अपने अपनी कला को और इनहेंस करना है, इस तरह से देखती हैं क्या? हाँ जरूर, कुछ नया सीखने को तो हमेशा एक हंगर रहता है, हमेशा से। लाइक अभी आप मैं आपसे बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन में मैंने तबला
मैं तबला भी बजाती हूँ, सीखती हूँ पापा से। और एक बीट बॉक्स होता है वो जो क्लैम हाँ बॉक्स पहन के हाँ बजाते हैं, हाँ तो हाँ उसको भी मैंने स्टार्ट किया है। तो कुछ कुछ चीजें मैं इवॉल्व कर रही हूँ कि मैं थोड़ा उसमें कुछ कॉम्पोजिशंस में ट्राई कर रही हूँ कि कुछ सोच के कुछ बनाया जाए। तो वो मेरे लिए बहुत, मैं उसके साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, बिकॉज परकशन इज समथिंग यू इंजॉय। रिदम, आप कुछ, आप एक चिंतन मनन जो होता है ना फ्री टाइम में, क्या आप कहीं भी, लाइक यू आर ट्रेवलिंग, आप कहीं भी, तो आप चिंतन मनन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना, फिर बड़े बड़े लेजेंड्स को सुनना, उनको कॉन्सर्ट्स जाना, देखो, लिसनिंग एंड वॉचिंग लेजेंड्स परफॉर्मेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सुनना, पुराने पुराने रिकॉर्डिंग सुनना, ये सब काफी लाइक एक आर्ट में बहुत एनहेंस करता है। तो वो सब मैं सुनती रहती हूँ, और गुणीजनों को सुनना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो उनको सुन सुन के कुछ फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और वही अभी तबला, पखावज और बीट बॉक्स में कुछ अपना ट्राई कर रही हूँ, कुछ कॉम्पोजिशंस की मैं कुछ बनाऊं। और एक दो मैंने अभी सोशल मीडिया पे डाला, तो अच्छा लगा कि मैंने कुछ सोच के मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ इसमें। तो यानी आने वाले दिनों में अगर आपको महिमा का पखावज के साथ साथ और भी परकशंस के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट और इनके क्लिप्स, इनके प्रोग्राम्स दिखाई दें तो आपको और मजा ही आएगा। एक चीज और बताइए महिमा, माँ का वोकलिस्ट होना ये कितना एडिशनल फायदेमंद है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कलाओं के अंतर संबंध पर हम अक्सर बात करते हैं कि एक अच्छा पोइट्री समझने वाला, एक अच्छा लिटरेचर समझने वाला अच्छा डांस करता है या अच्छा गाता है। तो एक परकशन यानी पखावज बजाना तो ठीक है, आपकी परंपरा है, इतनी पुरानी परंपरा है, लेकिन उसमें जब एक वोकलिस्ट से भी इनपुट्स मिलते हैं, उनके जी भी उनसे भी सुझाव मिलते हैं, तो ये तो मतलब जी सोने पे सुहागा जैसी चीज है। बहुत 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 बिल्कुल। एक आर्ट मतलब एक म्यूजिक म्यूजिशियन को एक सुर लय, एक परकशन के साथ साथ सुर लय का बहुत समझ होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं, तो उसको सुर की नॉलेज होगी तभी वो करेक्ट सुर में हम उसको ट्यून कर पाएंगे। बिल्कुल और सुर लय ताल, ये संगीत में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मेरी मदर भी एक म्यूजिशियन फैमिली से हैं, उनके पिताजी ध्रुपद गायक, मेरे नाना जी पंडित विदुर मलिक जी, वो उनकी डॉटर हैं और शिष्या हैं। और मदर से गाना सीखती हूँ, और घर हमारी परंपरा में भी ध्रुपद है, ध्रुपद पखावज हाँ दोनों। तो घर में गाना बजाना का माहौल रहता है, तो उनसे जब सीखती हूँ गाना और पिताजी से पखावज सीखती हूँ, तो काफी ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत बहुत एक वो है, बहुत आपको आइडियाज जनरेट करने को देते हैं कि हाँ इसमें ये चीज है तो उसमें भी वैसा चीज है, मतलब तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो बिल्कुल सुर लय ताल एक परकशनिस्ट के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, सुर लय ताल। तो मेरी जब तालीम स्टार्ट हुई थी, तो साथ मेरी पखावज के साथ साथ मेरी सुर सुर को भी स्टार्ट किया गया। तो इसलिए एक म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन मैं जब बनना चाहती हूँ, जब मेरा एक ड्रीम था कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन इन द फील्ड ऑफ पखावज, तो सुर लय ताल ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। भाई, मैं एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि आप उस जनरेशन की हैं जिस जनरेशन में लोग शास्त्रीय संगीत से दूर भागते हैं, उनको लगता है कोई बहुत ही उबाऊ किस्म की चीज है, बहुत ही कोई बोझिल चीज है, इसको समझना तो मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। आप जैसे कलाकार जो यंग हैं, जो इस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या सुनते हैं? आपने बचपन में कौन से कलाकारों को सुना? आप आज अगर जी दिल्ली में कोई प्रोग्राम देखने जाते हैं या दिल्ली से बाहर सुनने जाते हैं कलाकारों को, किन कलाकारों को सुनते हैं? और अगर उनमें से कुछ कलाकारों की ब्लेसिंग्स आपको मिली हो तो उसके बारे में भी जी बताइए। जी अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे। तो मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी धरोहर है।
और ये हमारा कल्चर है और हम सब बहुत लकी हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से हम जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ इससे जुड़ी हुई है और हमेशा हम चाहेंगे कि जुड़ी रहे। और चूंकि मैं अपनी बात करना चाहूंगी कि जब भी हम रियाज करते हैं तो हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको डिस्टर्बेंस होती है या फिर उनको कुछ होता है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ माय लाइफ, मतलब ऑफ आर फैमिली, कि जहां हम रहते हैं वहां नेबर्स बहुत इंजॉय करते हैं क्लासिकल। वो हम जैसे हम 12 बजे 1 बजे रात को भी हम थोड़ा रियाज करने के लिए बैठ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिन पूछते हैं कि इस दिन रियाज नहीं किया, तो उनको बोलना पड़ता है कि हम ट्रैवलिंग में थे इसलिए उस दिन नहीं हो पाया, बट अच्छा लगता है कि एटलीस्ट दे आर इंजॉइंग इंडियन क्लासिकल। और मुझे ये चीज और भी हमें ये चीज अच्छा लगता है कि लोग इंजॉय कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी चीज है कि वो उनको सुकून है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमारा बहुत सुकून है। वो एक जस्ट लाइक एक हमारे लिए एक वर्ल्ड। और हाँ, मैंने जो मैं जिनको सुनती हूँ, जिनको मैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी, पिताजी को सुनती हूँ और विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती जी, वो मेरी दीदी है, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, उनको मैं सुनती हूँ, पंडित अक्षय चक्रवर्ती दादा बाबा मैं उनको बोलती हूँ, उनको सुनती हूँ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अंकल को मैं सुनती हूँ और विश्वमोहन भट्ट जी को सुनती हूँ और पंडित भजन सुपोरी जी को सुनती हूँ और लता मंगेशकर जी को सुनती हूँ, आशा जी को सुनती हूँ। दे ऑल आर माई इंस्टीट्यूशन, वो मेरे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज की हम बहुत लकी हैं कि उनको सुनने का हमें मौका मिल रहा है। और आजकल तो और भी बहुत डिजिटली एक्सेसिबल, इट बिकम सो इजी कि हम उनको डिजिटली भी सुन सकते हैं, लाइव भी सुन सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो और सबसे बड़ी चीज की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कौशिकी दीदी की, उनका आशीर्वाद मेरे लाइफ में बहुत मैटर करता है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन और उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनका आशीर्वाद मेरे लाइफ में बहुत प्रीशियस हमेशा से रहेगा। और भी बड़े बड़े लेजेंड्स को सुनती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीखने को। तो बहुत बहुत ही हमारे लिए बहुत, हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे जनरेशन में हम लोग ऐसे म्यूजिक जैसी विद्या हमारी लाइफ में है और हम जन्म लिए हैं और उनको सुन सुन के हम सीख रहे हैं। अच्छा करने की कोशिश हमेशा से करें, हमेशा यही हमारा एक यही एक लाइफ में है और सीखते रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कौशिकी जी इस वक्त जिस तरह की गायकी उनकी है, करोड़ों दीवाने हैं उनकी गायकी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपने जिन कलाकारों का नाम लिया, जिन गुणी ऋषि मुनि सरीखे कलाकारों का आपने नाम लिया, रागगिरी का सौभाग्य है कि इन सभी लोगों का स्नेह, चाहे वो भजन सोपुरी जी हों, चाहे पंडित विश्वमोहन भट्ट हों, चाहे हरि जी हों, इन सब लोग का स्नेह हम लोग को भी मिलता रहा है। महिमा, अब एक और कोई आप हमें अपनी प्रस्तुति के बारे में बताते हुए कुछ और सुनाइए और उसके बारे में बताइए भी कि आप क्या बजा रही हैं। जरूर, मैं एक झाला आपको सुनाती हूँ। जैसे झाला हम सितार में बजाते हैं, जैसे हम जोड़ में बजाते हैं संदूक में, और सबसे बड़ी चीज की झाला अखावज में भी बजता है, धागे गेगे तागे गेगे, इसका जो सिलेबल्स है बोल है धागे गेगे तागे गेगे। उसके बाद बीच में हमारा पर्कशन, हमारा म्यूजिक नेचर से भी जुड़ा है, हर चीज से जुड़ा है। तो नेचर से इन द सेंस की जैसे दो दो एनिमल्स के बीच शिकार हो रहा है, शिकारी हो रही है, जैसे शेर है और हिरन है, तो बीच में उसमें भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी। एक कॉम्पोजिशन है मेरे फादर की कि जैसे शेर शिकार करने जाता तो हिरन कैसे बचता है, फिर बचते बचते शेर कैसे पकड़ लेता है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी उस बीच में। और उसके बाद जो रॉ का जो एक चाल होता है, जो रॉ हम बजाते हैं
तो उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। ये मेरे फादर का ही कॉम्पोजिशन है जो मैं निभाने की कोशिश करूंगी। कॉम्पोजिशन सुना रही हूँ, पंडित रविशंकर उपाध्याय जी का कॉम्पोजिशन, मेरे गुरु जी का। सिर्फ तितिका तितिका ने था, इसमें अंदाज ये है, ये नेचर से रिलेटेड है। शेर और हिरन के शिकार में कैसे इसको इमेजिनेशन करते हुए बनाया है, शेर कैसे हिरन को शिकार करने के लिए उसको उसको पीछा करता है और हिरन कैसे बचता है, इसका अंदाज देखिए। लाजवाब कंपोजिशन को सुनने के बाद कुछ और बहुत जरूरी प्रश्न है महिमा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो इस देश में बेटियों को बहुत मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। आप एक ऐसे डोमेन में हैं पखावज प्लेयर्स की अगर बात की जाए, जहां पर हमने शुरू में भी बात की थी कि फीमेल ओरिएंटेड फील्ड नहीं है, लेकिन आप जब इस फील्ड में उतरे हैं और आपने अपना एक जगह बनाना शुरू कर दिया है,
आपको लगता है कि आप इस देश की में जो बेटियां हैं उनको एक मैसेज भी जाना चाहिए कि हाँ कोई भी काम, मतलब अगर इस देश की बेटियां जहाज उड़ा सकती हैं, इस देश की बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हर काम, आई थिंक हर काम पॉसिबल है, बस उसके लिए एक डेडिकेशन, एक प्यार चाहिए। वो लव और डेडिकेशन होना, अगर उसके प्रति हम अगर अपनी इच्छा और एक प्यार रखेंगे तो जरूर हम सीखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम ये कहेंगे नहीं हमें सीखना है ये चीज, तो वो चीज हम एंजॉय नहीं कर। तो सबसे बड़ी चीज उसके लिए प्यार रखना, लव रखना, साथ ही साथ आप इंजॉय भी कीजिए उस चीज को। जब जब तक आप उसके लिए प्यार और डेडिकेटेड नहीं रहेंगे और इंजॉय नहीं करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो चाह नहीं रहे। तो अपने क्राफ्ट के लिए, अपने आर्ट के लिए सबसे बड़ी चीज की चाह रखना उस चीज के लिए, बहुत चाहत है इस चीज को मुझे सीखने के लिए वो चीज। और साथ ही साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन सीखना, अनुशासन सीखना। एक गुरु शिष्य परंपरा में अनुशासन कितना उसको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हाँ, सब कुछ पॉसिबल है, टेक्निक्स, हर चीज के टेक्निक्स बजाने की। हाँ, जैसे हम जहाज चलाते तो उसकी भी टेक्निक्स है, कितना हमें बैलेंसिंग के साथ उसको टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करना है। तो बजाने में भी, पर्कशन में भी, बीट आपको वोकल सीखना है या पर्कशन सीखना है हमें, तो उसको हर चीज की टेक्निक, उस टेक्निक को और प्लस रेगुलर रियाज, तपस्या जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो सब कुछ पॉसिबल, आई थिंक आज की जनरेशन में तो हम सब का यही कोशिश रहेगा कि हम अच्छा सीखें और अच्छा, हम जहां गलतियां हो रही हैं उसको सुधारें और अच्छा करें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज की इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कॉन्सर्ट अटेंड करना, बड़े बड़े गुणीजनों को सुनना, देखना, उस माहौल को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बचपन में मेरा भी ऐसा ही रहा है कि मैं पिताजी के साथ, भैया के साथ, मेरे मतलब मेरे करियर में मेरे बड़े भाई का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब स्कूलिंग थी तो भैया कभी कॉलेज होता था तो वो अपने कॉलेज को एक दो दिन वो हॉलीडे लेके फिर मेरे साथ ट्रैवल करना, जाना स्टेज पे बैठना, हाँ कैसे करते हैं, ऐसे बैठते हैं। और प्लस बिफोर परफॉर्मेंस भैया मुझे इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट करते थे कि अच्छा करना है, बिल्कुल अच्छी, एकदम स्माइलिंग। तो भाई का भी सपोर्ट बहुत बहुत रहा है और पिताजी का तो बहुत ही बड़ा, और माता जी का तो हमेशा से रहेगा। तो यही है कि सीखना, जाके कॉन्सर्ट अटेंड करना, देखना, पुरानी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना, वो आपके कला कला में और भी इंटरेस्ट डेवलप करेगा। तो वो चीज है जो आप इस चीज को करते हुए अपने इंटरेस्ट को पढ़ा सकते हैं अपनी आर्ट की। मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि महिमा के भाई, भैया जिनका वो जिक्र कर रही हैं, यानी ऋषि उपाध्याय, और ऋषि भी इस देश के युवा पखावज वादकों में बहुत सशक्त, बहुत मजबूत नाम है। देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, उनके साथ उन्होंने स्टेज साझा किया है। और रागगिरी कि अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें रागगिरी के साथ उनकी भी एक बातचीत है, बहुत दिलचस्प बातचीत है, आप वो बातचीत भी देख सकते हैं। और ऋषि के साथ जो बहन का जो रिश्ता है उस पर जो सवाल है वो इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं। महिमा, कभी आपको, हालांकि हमारी हमेशा शुभकामनाएं होंगी कि कभी जीवन में कोई चुनौती आए ही ना, लेकिन कभी कोई चुनौती अब तक के सफर में आपके आई क्या? कभी ऐसा लगा कि मैं, चूंकि हम, मैं एक फीमेल हूं, मैं एक लड़की हूं, इसलिए मेरे सामने ये चैलेंज है, इसलिए किसी ने कभी कुछ कहा हो? क्योंकि हम जानते हैं बहुत बार कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, अरे ये क्या पखावज बजाएगी, ठीक है ना? तो कभी क्या कोई इस तरह का ताना सुनने को मिला? क्या कभी कोई चुनौती सामने आई आपके अभी तक के जीवन में? नहीं, इस आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसा कभी आया नहीं। और सबसे बड़ी चीज की मैं हमेशा जब भी स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस के लिए मैं बैठती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं एक संगीत की डिवोटी हूँ। और मैं उस ध्येय से मैंने जितना सीखा है और जितना मेरे से गड़बड़ी होगी वो बस सब क्षमा करेंगे। और मैं हमेशा
यही सोच के मैं बैठती हूँ कि मैं एक डिवोटी हूँ और मैंने जो सीखा है मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। और सबसे बड़ी एक्सपीरियंस होती है, हर चीज एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब हर कॉन्सर्ट में हर कुछ ना तो कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा था तो अब नेक्स्ट में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा चुनौती तो कभी नहीं आया। और हमेशा मैं एक ना लड़की मैं ये सोच कर नहीं बैठती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं एक डिवोटी, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ। मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक फीमेल हूँ और मैं ऐसे मतलब फीमेल होकर मैं बजा रही, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग हमेशा मैंने सोचा है कि मैंने गुरु से सीख रही हूँ, ये मेरा विद्या है और मैं इसकी डिवोटी हूँ और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। यही मेरा शुरू से हमेशा यही मंत्र रहा है जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। यही मंत्र आपका होना भी चाहिए। और मतलब अगले सवाल से पहले एक दौर शुभकामनाओं का पहले भी लीजिए कि ईश्वर करे सरस्वती की कृपा रहे और कभी कोई चुनौती आए ही ना। ऐसे ही आपका संगीत सफर और आपकी जो साधना है, आप लगातार कह रही हैं कि आप एक साधिका के तौर पर देखती हैं अपने आप को, वो चलता रहे। मुझे अब आखिर में बहुत ईमानदारी से बताइएगा, इसमें एकदम कोई छिपाने वाली बात नहीं है, मैं तो अपने घर में बहुत छोटा, सबसे छोटा मैं ही हूँ भाई बहनों में, और मैंने तो अपने भाइयों को बहनों को बहन को तो बहुत ही परेशान किया है। ये जो आप ऋषि भैया की बहुत सारी तारीफ आपने कर दी कि ये स्कूल छोड़ते थे, कॉलेज छोड़ते थे, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है कभी आप लोगों में? मतलब बीच वाली दीदी से कम मेरी और भैया की सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी लेवल वाली नहीं, हाई लेवल वाली होती, होती क्या है, होता है? मतलब कभी मार पिटाई भी हुई है एक दूसरे में? वो बचपन में होती थी, अभी तो सिर्फ ऐसे बोली बोली में हो जाती है, फिर 10-15 मिनट बाद हम एक जगह हो जाते हैं। जब मम्मी कहती है कि देखो भाई मैं लड़ाई करते हैं, एक जगह हो गए, यही होता है। तो लड़ाई के 2-3 मुद्दे क्या होते हैं, मतलब किस मुद्दे पे लड़ाई होती है? मेरे ख्याल से म्यूजिक पर तो लड़ाई नहीं होती होगी। नहीं, म्यूजिक पे लड़ाई नहीं होती है, मतलब नॉर्मली सी चीज होती है। जैसे कभी क्या हुआ कि कभी भैया बोले कि मुझे चाय पीने का मन हो रहा है या फिर ये मन हो रहा है, तो उस टाइम थोड़ा मैं कुछ और काम कर रही होती, मैं कहती हूँ आदमी कहती नहीं अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा डिले कर देती हूँ, मतलब यही होता है। फिर उसी में लड़ाई हो जाती, कभी मैं भैया से बोलती हूँ कि भैया मुझे ये काम है तो ले आना, तो भैया कहता है हाँ, जब नहीं लाते तो फिर लड़ाई हो जाती कि मैंने काम किया, मेरा काम नहीं हुआ, तो मतलब नॉर्मल जैसे घर में लड़ाई हो जाती है। बचपन में तो बहुत लड़ाई होती थी, बहुत 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 होती थी, अभी भी होती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, अभी भी होती है, लेकिन बीच वाली दीदी से कम मेरे से सबसे ज्यादा, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन लड़ाई हमारी काफी होती है। फिर हम एक जगह हो जाते हैं, एक जगह हम इंजॉय करते हैं, हम मेरे और भैया में सिमिलैरिटीज बहुत है, बहुत सिमिलैरिटीज है, हमारी थिंकिंग में भी, हमारे खाने में भी काफी सिमिलैरिटीज है। तो चलिए अच्छी बात है, सिमिलरिटीज ज्यादा होने से लड़ाई कम होने के आसार होते हैं, वरना तो फिर मुझे लगता है कि खाने की टेबल पे मेन्यू को लेके भी झगड़ा हो सकता है, टीवी पर क्या देखना है इसके लिए रिमोट का झगड़ा भी हो सकता हाँ, है। ये भी कभी कभी होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं भूल रही हूँ, बहुत सारा होता है, मतलब ऑन द स्पॉट याद इतना नहीं हो पाता, लेकिन हाँ होता है कभी कभी, कभी कभी रोज। जैसे जैसे आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं ना म्यूजिशियंस अपने ताल के, या जैसे आप सीखती हैं तो राग के आरोह अवरोह लिखते हैं, वैसे आप चाहें तो एक नोट्स बना सकती हैं जिसमें ऋषि के साथ जो झगड़े होते हैं उसको भी लिख सकती हैं कि कौन कौन सी बात पे झगड़े हुए, तो कभी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किताब बन सकती है आने वाले समय में कि दो मतलब भाई बहन और दो कलाकार हो तो किस बातों किन किन बातों पर झगड़े हो सकते हैं। यही मेन इस पे भी कभी कभी हो जाती है कि कहीं मुझे जाना होता है अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में या फिर किसी फंक्शन में, तो मेनली जब मेरे फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं तो भैया थोड़ा लेट कर देते हैं, मैं कहती हूँ मुझे इतने बजे पहुंचना है, मुझे कुछ मिस नहीं करना है, वहाँ बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। फिर भैया कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो गाड़ी ड्राइव करनी है क्या। तो यही फनीएस्ट होती है। फिर उसके बाद हम एक जगह हो जाते हैं, आईपीएल देखते हैं, अब तो आईपीएल खत्म होगी, लेकिन आईपीएल देखते हैं तो हम टीम को सपोर्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं इसके बाद छक्का, इस बार तो छक्का पड़ेगा, इस बार चौका पड़ेगा, तो मतलब है अच्छा लगता है। लड़ाई भी बहुत जरूरी है ना, फिर लड़ाई कहाँ, वो तो पार्ट है लाइफ।
बिल्कुल इस आपकी और ऋषि की नोकझोंक और लड़ाई के जो बहुत ही मजेदार अनुभव हैं, उससे अच्छा इस इंटरव्यू का अंत नहीं हो सकता। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंत भला तो सब, भला तो सब। लड़ाई के बाद जब आप लोग एक जगह पे हो ही जाते हैं तो सब कुछ अच्छी ही बात है। बहुत जी ढेर सारी शुभकामनाएं महिमा आपको। थोड़ी देर थैंक पहले भी यू मैं कह रहा थैंक था यू। कि कोई चैलेंज ना आए, ईश्वर आपको बहुत सारी तरक्की दे, बहुत सारा संगीत आपके अंदर जो है वो हम लोग को सुनने को मिले। ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपको स्पेशली बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपसे आपके साथ बातचीत किया बहुत अच्छा लगा, कितना जल्दी टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन आपके साथ बहुत बहुत आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जो मेरे माइंड, मतलब एक होता है कि हाँ ये सोच के रखते हैं कि हाँ बिल्कुल वो कोइंसिडेंटली आपने पूछा, और सबसे मेन चीज कि आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, और थैंक यू सो मच दिल से कि आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, और रागीरी के इस इतने अच्छे शो पे मुझे इसका एक पार्ट बनाया। आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच।